What's up guys and welcome back to another vlog. It's day 2 in Budapest and बिल्कुल अभी अभी हमने Airbnb से चेकआउट किया है क्योंकि हमारा जो इनिशियल प्लान था बुदापेस्ट आने का वो वेंसडे का था बट हम एक दिन लेट आए तो हमने ये वाला Airbnb सिर्फ दो दिन के लिए कराया हुआ था क्योंकि ये वाला वीकेंड के लिए अवेलेबल नहीं था एंड वीकेंड के लिए हमने दूसरा Airbnb कराया हुआ है इससे बेटर तो 2 बजे हमें वहाँ चेक इन करना है उससे पहले अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने आसपास कोई कैफ़े ढूंढते हैं जहाँ कॉफ़ी एंड क्रोसॉन वगैरह खा सकें सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पर कि बार बार आके पार्किंग टिकट लेनी पड़ती है एंड कैश की बड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं कैश के साथ कभी भी ट्रैवल नहीं करता एंड अब बार बार मुझे कैश निकलवा के पहले उसे कॉइन में चेंज कराना पड़ रहा है एंड देन पार्किंग टिकट लेनी पड़ रही है How is it? It tastes good even plain. Croissants are always good. All good? All good. Me and Basha chose place for breakfast, so we are going there now. I think you guys are big football fans. Yeah. Basha, can you show your outfit? Wow. So, which team is it? So this is Schlangt Wrocław. It's the biggest team in Wrocław and in the world. One of the biggest in Poland, maybe soon in the world. If you guys are ever in Poland, I would definitely recommend checking out one of their games. It's awesome atmosphere, cheap prices, cheap beer. What else do you need, right? What else do you need? I mean, but really just great atmosphere and it's a lot I would of love fun. To go on a game with you. And we will. All right. Yeah. So Perfect. Let's go to have breakfast now? Yeah, let's go. तो ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं इस जगह इसका नाम है पैंट्री बंच एंड कॉफ़ी देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर गूगल पे तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे इस प्लेस के व्हाट आर यू गोना हैव आई एम नॉट श्योर यट आई विल फॉर श्योर हैव सावर्ड ऑफ ब्रेड इनका जो कॉन्सेप्ट है वही है कि आप 3, 5 या फिर 7 आइटम में से चूज कर सकते हो एंड जो भी आपको चाहिए उसमें बस ये सर्कल लगा के आपको अपना नाम लिखना है सो आई थिंक अभी कोई ज़्यादा भूख तो है नहीं तो मैं 3 आइटम ही ऑर्डर करूँगा यू विल ऑल्सो ऑर्डर 3 राइट Or 5? No, 3 is fine three for is me. 3 is fine, right? And what did you choose? I chose scrambled eggs, mixed salad with cherry tomatoes, seeds and vinaigrette, and sourdough bread. I ordered the iced latte. Veronica got... You got both orange juice and cappuccino? Yes. Why? I felt like orange juice but also cappuccino because I didn't drink coffee. It's a weird combination. I can give you 2/3 of this. I can give you 1 bite of the bacon and half the avocado. Deal. So you ordered a salad and? Salad and some scrambled eggs and this is sourdough bread. Nice. Many ordered here scrambled eggs. Food board and sourdough bread. I'm trying to lose weight. You know, right? I so know. Many people are commenting. So breakfast के बाद आज का scene है कि हम पूरा बुदापेस्ट explore करेंगे. I think जिन्होंने भी love story वाली video देखी है मेरी और वेरोनिका की उनको पता होगा कि मैं वेरोनिका से सबसे पहले बुदापेस्ट में मिला था मतलब हम सबसे पहले trip पे बुदापेस्ट आए थे and हमने बहुत सारी चीज़ें explore करी थी उस time पे तो बहुत ही अच्छी memories हैं यहाँ की तो आज हमारा plan है वही सारी चीज़ें करने का so breakfast के बाद सबसे पहले हमारा plan है statue of unity जाने का बहुत ही एक सुंदर जगह है इन्होंने statue of unity बनाया हुआ है एंड वहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू हैं बुदापेस्ट के तो मैं आपको वो दिखाऊंगा सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी US की जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका नाम तो सबने सुना है बट यहाँ बुदापेस्ट में भी है एक स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर लिबर्टी कहते हैं एंड इट्स लोकेटेड राइट ऑन दैट हिल टॉप आई थिंक आप अभी देख नहीं पाओगे आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ बहुत ही एक अच्छी जगह पे लोकेटेड है वहाँ से पूरा व्यू दिखता है बुदापेस्ट का आई थिंक अराउंड 5 मिनट की ड्राइव है यहाँ से Now we still have to like walk 10 minutes. Yeah, we are trying to make it before rain. Yeah. Because forecast is saying that it will be raining today. Yeah. And we can see clouds. So let's see. I hope we will make it. तो गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी है यहाँ पर हिल टॉप पे
गाड़ी पूरी ऊपर तक नहीं जाती, आपको नीचे लगानी पड़ती है, उसके बाद अराउंड 5-7 मिनट की वॉक है। आई थिंक इट्स क्लोज गाइस, यू कैन नॉट गो फ्रॉम देयर, देयर इज अ फेंस, कम बैक। आर यू ट्राइंग टू ब्रेक इन? It's way harder to come down. Come on, Marsha. You can do it. Okay. It's super fun. Yeah, it is. Does he or she have a name? No, Mavic Air 2. I think drone shots take every video to another level. Yeah. Right? Without drone, it's not that cool. Did Ishan tell you when his drone took a bath in the sea? In Maldives, I crashed it. Yeah? What? Yeah, in the sea. Were you flying it? Or? Yeah, I was flying it. Did it die? Yeah. It, apparently, it can't swim, but... Ishan can land it on his hand. In the app, it shows like if the takeoff is permitted, what kind of zone it is. Because I have a license to fly a drone, mm-hmm. So I can fly in. Huh? You need a license, why? So Statue of Liberty, Budapest, तो इस वक्त बंद है क्योंकि वहाँ पर construction चल रही है. But drone से ही हमने देख लिया, तो एक चीज अच्छी है drone की, that we got to, you know, see everything from the drone. Wow. Good job. That's awesome. एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शन बुदापेस्ट, जाना जाता है अपने पार्लियामेंट के लिए. वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है यहाँ बुदापेस्ट में. मैं आपको जाके दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है. वो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है यहाँ बुदापेस्ट में, मतलब हर बंदा वहाँ तो सबसे पहले जाता ही जाता है. मैं 2-3 बार ऑलरेडी गया हुआ हूँ, बट अभी हम वहीं जा रहे हैं. लेट्स होप बस बारिश ना हो. सो नेक्स्ट स्टॉप पार्लियामेंट. Are you guys hungry? What are you doing there? Ordering the new iPhone. So guys, ये है मेरे पीछे the infamous Hungarian Parliament. World का सबसे beautiful and बड़ा Parliament है ये. ये Parliament building कम बहुत कोई famous monument ज़्यादा लगता है. And आज है 17 September. आज से iPhone का pre-order start होना था. यहाँ पर 2 बजे. And मैंने 2:05 पे order किया है. उसमें भी अब मुझे delivery 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में दिखा रहा है ये. डू कॉमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँ iPhone 13 Pro Max के ऊपर एंड उसके कैमराज के ऊपर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट इट आउट. मैंने ऑर्डर किया है 13 Pro Max 256 GB, क्योंकि 128 GB वाले में आप 4K ProRes नहीं रिकॉर्ड कर सकते अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे 256 मंगाना पड़ा. एंड ये मुझे पड़ा 1,20,000 रुपये का. एंड अब हम जा रहे हैं वापस Airbnb में चेक इन करने, जो हमारा दूसरा Airbnb है. तो पार्लियामेंट पे हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए क्योंकि 2:30 बजे हमें जाके Airbnb में चेक इन करना है एंड ऑलरेडी 2:36 हो गए हैं. तो पहले हम जाके Airbnb में चेक इन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग फॉर लंच. यस. तो यहाँ
यहाँ से अराउंड 15-1 मिनट दिखा रहा है Airbnb। ये वाला भी बिल्कुल सेंटर में हमने बुक कराया है क्योंकि पार्लियामेंट बिल्कुल नेक्स्ट टू द रिवर है एंड सिटी के दो पार्ट हैं बुदा एंड पेस्ट, तभी इसे बुदा पेस्ट कहते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ ब्रिज। कहाँ हैं हम? हम हैं अभी पेस्ट में बिकॉज पहले जो पार्लियामेंट था वो था बुदा में एंड नाउ वी आर इन पेस्ट। जेफरी, आई डिडंट नो दैट यू कैन स्पीक इन हिंदी। थोड़ी थोड़ी आती है। ओह नाइस। हाउ कम? Yeah, fun fact, actually my grandpa he ended up working in India on a railway and ended up actually also then dying in India. So That's interesting. Yeah. Sounds a little dark. Like why did he die? like he died there. Sort of maybe better, like yeah, and he actually ended up sort of spending the rest of his life there. Oh, very nice. And Basha? Yeah. Can you say anything in Hindi? Actually I can say me angrezi bulti hum. तो गाड़ी हमने यहाँ पीछे पार्क कर दिया है एंड बिल्कुल सेंटर में है ये वाला Airbnb भी एंड अब जाके पार्किंग टिकट लेनी है। कॉइन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है, बार बार कैश निकलवा के कॉइन्स में चेंज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ की मशीन्स कार्ड नहीं एक्सेप्ट करती, विच इज़ वेरी बैड क्योंकि आज के टाइम में आई थिंक कोई भी कॉइन्स वगैरह कैरी नहीं करता, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। बट उसके अलावा बहुत ही प्यारी सिटी है। एंड यहाँ बुदापेस्ट में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्ला दिख रही है, मैंने सोचा था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ही है सबसे ज़्यादा, बट यहाँ भी बहुत सारी हैं एंड दिस वन लुक्स रियली नाइस इन मैट रेड। तो हमने बिल्कुल अभी चेक इन किया है दूसरे Airbnb में एंड बहुत ही एक अच्छा ये कोर्टयार्ड है यहाँ पर एंड दिस इज़ द Airbnb। यू गाइस लाइक दिस प्लेस? इट्स ऑसम, ग्रेट पिक ईशा। थैंक यू एज़ ऑलवेज। यस इट अगेन। ट्रेमेंडस। ये भी टू बेडरूम अपार्टमेंट है, एक बेडरूम वहाँ पर है एंड दिस वन एंड एक ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कबर्ड टाइप यहाँ पर बनाया हुआ है। बाहर का व्यू देखते हैं। बाहर का कोई खास व्यू नहीं है। सो दिस इज़ द रूम एंड यहाँ पे हम रात को बैठ के ड्रिंक्स इन्जॉय करेंगे एंड यू हैव अ रियली नाइस मॉडर्न किचन। ये वाला अपार्टमेंट पहले वाले से ज़्यादा मॉडर्न है। Think this is washroom. Oh, even the washroom is nicer. Lunch के लिए जो हमने जगह चूज करी है वो यहाँ से अराउंड 20 मिनट दूर है, तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। By the way, it's an Italian restaurant? Yes. Is the same one we went to last time or it's a different one? I think so. I hope it's the one because it was very good, but yeah. I couldn't remember the name exactly. But yeah, when I will be there, I will know. क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बुदापेस्ट आए थे तो एक बहुत ही अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट था जिसमें हम गए थे। आई होप इट विल बी द सेम वन एज वेरोनिका सर, बट वहीं जाके पता लगेगा। आई थिंक बाय फुट एक्सप्लोर करना बेस्ट वे है, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ द सिटी। अगर आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर गाड़ी में घूमोगे तो आप हर चीज़ डिटेल में नहीं देख पाओगे। सो आई रियली रियली लाइक वॉकिंग अराउंड द सिटी टू रियली गेट द फील। तो लेफ्ट में हमारे जो ब्रिज है ये है मेन ब्रिज बुदापेस्ट का, जो बुदा और पेस्ट को कनेक्ट करता है। राइट नाउ वी आर इन बुदा एंड उस साइड पेस्ट है, बट सारी जो सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन है वो बुदा में है। बाय द वे गाइस, देयर इज़ अ जेंटलमैन्स क्लब इन द मिडल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीट इट इज़ आई डोंट नो, बट काफ़ी सारे जेंटलमैन्स क्लब हैं यहाँ बुदापेस्ट में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। हमने इस स्पॉट पे फ़ोटो ली थी, मुझे अभी भी याद है। वी हैव सो मेनी मेमोरीज फ्रॉम दिस सिटी, वी विल टेक सम फोटोज लाइक ऑल ऑफ अस। Yeah, like after eating. Sure. आज हमारा प्लान है क्लब जाने का रात को, सो वील सी वट बुदापेस्ट हैज़ टू ऑफर। बट आई रियली थिंक कि यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कल रात को हम वैसे ही वॉक कर रहे थे एंड आई सॉ सो मेनी नाइस बार्स एंड क्लब्स। सो बुदापेस्ट बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक सिटी है, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई फाउंटेन या फिर स्टैचू वगैरह है जहाँ आप बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। सो ये है रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं, इट्स एन इटालियन रेस्टोरेंट, इट्स कॉल्ड द मारियो। That's cool. Last time we came to this restaurant, mein aaye the, on our last trip to Budapest. Are you feeling like pasta, pizza, what? I don't know, but okay, I don't know. I have to see what they have. Who is on team pizza? I might be team pizza. Diavola looks pretty good. What about you, Basha? I'm thinking about bufala. Oh, I love bufala too. Oh my god, bufala. Oh, it is good. There's nothing better than bufala. Bufala is basically.
पिज़्ज़ा विद फ्रेश मोज़रेला जो बफेलो मिल्क से बनती है. मैं हमेशा इटालियन पिज़्ज़ा मंगाता हूँ जब भी मैं इटालियन रेस्टोरेंट आता हूँ. आई रियली रियली लव इटालियन पिज़्ज़ा. दिस इज़ हाउ द पिज़्ज़ा लुक्स. I need some olive oil. And I think मैंने अपनी एक पहले की वीडियो में बताया था इटालियन पिज़्ज़ा के साथ हमेशा ऑलिव ऑयल खाते हैं केचप नहीं. So we'll finish this now. खाना तो इतना कोई खास अच्छा नहीं था. लास्ट टाइम जब हम इस रेस्टोरेंट में आए थे तब बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था यहाँ का. बट आई थिंक इस बार इनका शेफ़ वगैरह चेंज हो गया है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पिज़्ज़ा. एंड कोइंसिडेंटली ये रेस्टोरेंट बिल्कुल पार्लियामेंट के पास है जो हंगेरियन पार्लियामेंट है मैंने आपको अभी दिखाया था. एंड हमें थोड़ी देर यहीं टाइम स्पेंड करना था बट बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम जा रहे हैं वापस Airbnb. तो प्लान तो आज हमारा काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का था बट अनफॉर्चुनेटली बारिश स्टार्ट हो गई तो हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए. तो हम वापस आ गए Airbnb एंड अब हम थोड़ी देर ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे एंड देन वील गो टू द क्लब. आई जस्ट होप इट वॉन्ट रेन एट नाइट, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू गो. सो यू गाइस आर ड्रिंकिंग वाइन बट यू आर ड्रिंकिंग व्हिस्की. आई एम नॉट ड्रिंकिंग दैट. ओके सो यू आर ड्रिंकिंग व्हिस्की विद मी, राइट? कूल. यू नो इट. Like real men do. Like real men. Yeah. Real American men. And Indian men. And Indian men. Yeah. So how would you say that I absolutely love Indian people in German? Bin von indischen Leuten fasziniert. Cool. What else? Die Kultur ist sehr alt und interessant. Eines der ältesten Länder der Welt. Das Essen, die Küche ist auch sehr, sehr lecker, sehr scharf, viel schärfer als die deutsche Küche. Sounds kind of cool. Even I understood.